अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे ढाबे वाली लहसुनी चना फ्राई। चलिए उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कप काबुली चना लिया है, इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। भिगो हुए चने को मैंने प्रेशर कुकर में डालकर बॉईल कर लिया चने को। इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल दिया था। अब ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें एक अंडे को डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच सेजवान सॉस डाल देंगे, 1 चम्मच रेड चिल्ली सॉस डाल देंगे, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, उसको भी डाल देंगे। यहाँ पर मैंने मैदे का आटा लिया है 2 चम्मच, इसको भी डाल देंगे। आप चावल का आटा भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने मैगी क्यूब लिया है, चिकन मैगी क्यूब, इसको भी ऐड कर लेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच रेड फूड कलर लिया है, उसको भी ऐड कर लेंगे। इसको डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर तैयार है। यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है, इसको भी अभी फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बॉईल किया हुआ चने को ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ले लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तेल में पहले हम लोग लहसुन को फ्राई कर लेते हैं। इसको संभाल कर फ्राई करिए, ये फट जाता है लहसुन। हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई करिए। अब इसको निकाल लेंगे। उसी तेल में अब चने को एक एक करके डालकर उसको फ्राई कर लेंगे। सब साथ में डालोगे तो चना चिपक जाएगा। इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है वरना जल जाएंगे। अब इसको निकाल लेंगे प्लेट में। अब ये मज़ेदार लहसुनी चना फ्राई बनकर तैयार है। आप भी ज़रूर एक बार बनाएं।